Zain Aryadwala to come on stage. Before I think let me take this opportunity to speak about my association with Ghaffar Bhai. Started more than 25 years back, and then with Feroz, and it still continues. I can tell you one thing. In this film industry, people don't make producers and human beings like Ghaffar Bhai and Feroz. And I'm saying this very from my bottom of my heart, and I mean it. He's the last of the Mohicans. I don't know in future we'll have producer like Feroz Nadiadwala. He's tough, he's resilient, and whatever, he just doesn't believe in taking no as an answer. And that's the true sign of a film producer. He's in complete control and looks after his actors as his own, and he gives whatever the director wants, which is in today's time very, very, because with the corporate world coming in and, you know, with the budgets and the constraints and a lot of, it's becoming more and more difficult to make films which people like Feroz want to make. But Feroz, as Feroz is, has done it in the past and is doing it now. God bless him. We want your blessings, Ghaffar Bhai, because we are trying our best as a family. Feroz and me, our families, we are like brothers. We want your blessings so that we can live up to whatever you think about us and whatever you want us to do. We will live up to your expectations. We'll try our best. So now I would like to invite my brother. Well, do I say younger or elder? Well, he's my younger brother, and I want to invite him on stage. Feroz, it's my pleasure and honor to invite Feroz on stage. Feroz, would you like to praise me also? I would like to first invite my brothers, my elder brother, Mr. Abdul Hafiz, to join us on stage, and my younger brother, Mushtaq, please. Mushtaq. Neeraj. वो 1000 रुपए का नोट का छुट्टा कराने गया साल, अब तक आया नहीं है, 4 घंटा हो गया, किधर है रे? ए राजू है? ए राजू, ए राजू कमीना, किधर है रे तू? ए गरीब अक्कल, अपुन का नाम लेने का ना, इज्जत से लेने का, राजू राजू खबरी क्या? ये तो राजू नहीं है रे, तो डुप्लीकेट है। बिना केले के छिलके डुप्लीकेट मैं हूँ, भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार,
सुपरस्टार तू। अरे सुपरस्टार का डुप्लीकेट, राजू डुप्लीकेट। मेरे को लगा देख बाबा अपना नाम है ना चेंज नहीं करने का, समझ गया? अपना नाम अपना होता है, फिर कितना भी फालतू और हलकट क्यों ना हो, अपना नाम नहीं बदलने का रे बाबा। सोडा वाटर, अब उनका नाम ना बचपन से राजू है क्या? ए, और मेरे बाप ने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा नाम राजू रख दिया था क्या? क्या बात करता है, मैंने तेरे बाप को पहले से पता था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अरे जोक मारा रे, हलकट हंसना, जोक मारा रे। ए श्याम, ये भी राजू, ये भी राजू, लेकिन दोनों नकली राजू है रे, नकली है दोनों। तो ओरिजिनल किधर मिलेगा? अरे ओरिजिनल आइडिया नहीं मिलता तो ओरिजिनल आदमी कहाँ से मिलेगा? लेकिन बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बाबा। पहला पैसा का हेरा फेरी, फिर ड्रग्स और बंदूक का हेरा फेरी, लेकिन ये टाइम ये जो राजू का हेरा फेरी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पक्का ना? पक्का ना? पक्का पक्का, ये बाबूराव गणपतराव आपटे का प्रॉमिस है। उधर हेरा फेरी तीसरी बार, ये बाबा ए अनपढ़ दो बार नहीं रे, तीसरी बार। रखती है इस फिल्म को, आप कितनी बार देखें? Your mic is on. हाँ सर. It's recording. It's a radio jockey, so he's taking tomorrow morning's bite. हाँ. So what is your question? हेरा फेरी जो फिल्म है, ये टीवी पे कभी भी आती है तो हम उसी जगह से देखना स्टार्ट कर देते हैं. आपके लिए कितना मायने रखती है ये फिल्म? कि आप किसी भी जगह से शुरू कर देते हैं देखना. ये फिल्म सर, हेरा फेरी. So what do I have to say? कि आप कहीं से भी उसे शुरू कर देते हैं. आप सर कभी टीवी पे जब इस फिल्म को देखते हैं या थिएटर में देखते हैं? नहीं, इसे थिएटर में देखते हैं भैया. आई बिलीव इन सीइंग फिरोज भाई फिल्म्स ऑन द बिग स्क्रीन. बट आई रिमेम्बर इन द ईयर, इट वाज व्हाट, 2000, फिरोज भाई, व्हेन हेरा फेरी केम आउट. एंड मुझे याद है, हेरा फेरी खास याद है क्योंकि जब मैं अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रहा था रेफ्यूजी, उस वक्त अन्ना हेरा फेरी की शूटिंग भी कर रहे थे. तो ही यूज़ टू कीप टेलिंग मी ऑल द स्टोरीज ऑफ व्हाट ऑल दे डू ऑन द सेट्स. और फिर जाके जब फिल्म देखी थी मैंने तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी. एंड इट वाज सच एन एंटरटेनिंग, सच अ रिफ्रेशिंग न्यू कॉमेडी फॉर हिंदी सिनेमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और फिर जाके व्हेन फिर हेरा फेरी वाज मेड एंड यू नो नीरज जी मेड इट वाज समथिंग दैट वाज इवन मोर फन. एंड दिस हैज बीन अ ड्रीम दैट आई हैव हैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नीरज जी और मैं बोल बच्चन की शूटिंग करे थे एक साथ कुछ 3 साल पहले, जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी. एंड ही सेड दैट ही वांटेड टू मेक हेरा फेरी 4. तो मैंने कहा 3 का क्या, वो तो बीच में कहीं. सो इट्स बीन अ ड्रीम ऑफ हिज एंड फिरोज भाईज, व्हिच दे हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स नाउ. सो इट्स
It's a huge honor to be a part of this esteemed cast, to get the opportunity to work with somebody who's like my elder brother, Anna, and with Paresh ji, who I did my second film with, Tera Jadoo Chal Gaya. And after what, 18 years of trying to make a film together, Firoz Bhai was one of the few producers who said yes to me when I went to ask him to launch me as an actor. Wo film kabhi bani nahi, and then since then we've been trying to work together. And now in 2015, we're finally going to be working together. It's a matter of huge pride, a bit of pressure because our fathers have worked together and we have to live up to some of the great movies they've made. And with your blessings, I hope we can do that. That is half an hour of your show tomorrow. Now you can take the next half an hour. Yeah. Anna, Paresh ji, John, agar aap bhi batana chahe. Kya puchhenge aap? Same thing? Hera Pheri, Shyam, abhi Shyam teesri baar aane wala hai. Absolutely. I think ek aisi film jo pehli franchise thi actually, aap franchise ke point of view se dekhenge to pehli franchise thi aur excited hoon is baar kyunki do extra Rajus aa chuke hain aur already backstage itna ho chuka hai ki you know I'm looking forward to shooting this film in I think in February or March whenever we start aur Paresh ji ke sath kaam karna, Neeraj ji ke sath kaam karna ya Firoz bhai ke sath kaam karna aisa hai ki apne backyard mein hum kaam kar rahe hain. Literally, so very, very comfortable and looking forward.